एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में गंगा जमुना की तहजीब को कायम रखते हुए गंगा की रेत में असहाने निगाह संस्था के द्वारा आगोरो गंगा के तहत जश्न गजल का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कवियों व शायरों ने सर्वप्रथम कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दिलशाद खान ने सभी को माल्यार्पण कर स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कई जिले के शायरों ने अपनी अपनी शायरी को पेश किया। इस कार्यक्रम में कई जनपदों के शायर व कवि मौजूद रहे। फनवरी का सिलसिला यू नगमगी भरा रहे ये जिंदगी का सिलसिला, रवा दवा रहे सदा सुखनवरी का सिलसिला, यू नगमगी भरा रहे ये जिंदगी का सिलसिला, निखर रहा है फन मेरा सुखनवरों की बसों, निखर रहा है फन मेरा सुखनवरों की बस में, जहाँ बिस्मिल की शहनाई हो, जहाँ गंगा में पुरवाई हो, जहाँ शाम को आरती होती हो, जहाँ संत साईं जाई जाई हो, जिसकी हर एक बोली को सब अरस कहते हैं मिले, जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान मिले, जहाँ राम मिले रहमान मान मिले, जहाँ ऊंच सारी जहाँ ठंडई भांग के शरबत की मस्ती। बिल्कुल न के बराबर इस फिजा को जिंदा रखने के लिए एक कोशिश है। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था बनारस में बजड़े पर, उसी का एक ये हिस्सा है कि हम लोग रेत पे, गंगा की रेत पे, क्योंकि यहाँ पे आज तक कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा, एक नई शुरुआत हम लोगों ने की है और उर्दू अदब को जिंदा, उर्दू और हिंदी साहित्य को जिंदा रखने के लिए, कि अदबी फिजा जो यहाँ से ख़त्म होती जा रही है, जो लोग इस भागदौड़ की ज़िंदगी से परेशान हैं, उन थोड़ा सा सुकून इससे मिलता है। इसमें कहाँ कहाँ के साहित्यकार आए हुए हैं? इसमें हमारे आजमगढ़ के हैं, लखनऊ के हैं, गोरखपुर के हैं, रामनगर बनारस के हैं, मिर्ज़ापुर के भी लोग हैं, कुल मिला के काफ़ी अच्छे अच्छे और सब नेशनल लेवल के शायर। कौमी एकता पर क्या कहना चाहेंगे? कौमी एकता पे ये प्रोग्राम ही कौमी एकता के लिए है। ये कवि और मुशायरा और कवि सम्मेलन ये कौमी एकजहती का ही एक नाम है, समझिए। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के विकास खंड लालगंज के ग्राम नरायना कला के ग्रामीणों ने अपने ग्राम पंचायत के कोटेदार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर अपना मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा। आप लोगों की सर, हम चाह रहे हैं कि सर 2020 में जो लॉकडाउन के दौरान में हमारे यहाँ कम से कम 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिनका नया जॉब कार्ड बनाया गया और वो सब पात्र लोग हैं जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और टोटली वो लोग कभी भी मौके पर काम पे नहीं गए हैं, ये सब मौके पर गए हैं काम पर, फिर भी इनके अकाउंट में वो पैसा नहीं आया, नहीं आ रहा है, लेकिन उनके अकाउंट में पूरा उनका पे है और वो मौके पर कभी भी काम पे नहीं गए हैं। क्या मांग है आपकी? सर, हम चाह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के घंटाघर स्थित नगर पालिका में पिछले दिनों सफाई कर्मचारियों का चुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना आज हुई। मतगणना में पप्पू नेता विजयी घोषित हुए, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आशीष कुमार को 13 वोट ही मिले। वहीं पप्पू नेता के
जीतने पर सफाई कर्मचारियों ने उनका जोरदार माल्यार्पण कर स्वागत किया और बैंड बाजे के साथ जयकारा लगाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाया। ये कर्मचारियों ने यूनियन का चुनाव किया है और यह चुनाव निष्पक्ष चुनाव हुआ है, वोटिंग से हुई है। कर्मचारियों ने जो स्नेह और प्यार हमारे यूनियन को दिया है, इससे हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे प्रदेश के यूनियन के पदाधिकारी बबलू चौधरी जी और हमारे संजय पाठक जी और उनके साथी और हमारे जिला प्रशासन के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लल्लू चचा, ये सभी लोगों तो निगरानी में वोटिंग की गिनती हुई है। आप चुनाव जीत गए हैं, अब आप बताइए कि अपने लोगों के लिए, जो आपके लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे? हमारा हमेशा कर्मचारियों का हक के लिए लड़ाई लड़ी गई है और जो कर्मचारी ने स्नेह और प्यार हमको दिया है, मैं अपनी जीवन उनके निशावर करूंगा, उनके हक के लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। कर्मचारियों का चुनाव हुआ था पिछले कुछ दिनों में, आज उसकी मतगणना हुई है, मतगणना में कौन जीता कौन हारा है? इसमें आज जो चुनाव का जो मतगणना हुआ है उसमें पप्पू नेता जो कि 587 वोट पाए हुए हैं, आशीष कुमार जी जो है जो 13 वोट पाए हुए हैं, आशीष सुदर्शन 2 वोट पाए हैं, जिसमें निरस्त हो गया है 8 वोट, जिसमें कि वो किसी को नहीं पड़ा, निरस्त कर दिया गया है 8 वोट है, कुल मिला के 610 वोट पड़ा है। तो आज के मतदान में कौन जीता है कौन हारा है? पप्पू नेता जो है ये आज के मतदान में विजयी घोषित किए गए हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी इनका कौन था? निकटतम प्रतिद्वंदी आशीष कुमार जी हैं जो कि 13 वोट पाए हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के जिला कलेक्ट्रेट कंपाउंड में SC ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में टीचर्स ने अपनी 3 सूत्रीय मांगे, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश निर्गत करने एवं रिवर्ट पदान्वत हुए कर्मियों को उनके मूल पदों पर बहाल करते हुए बैकलॉग को पूर्ण करने के संबंध में अपना मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि हम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है उसमें जो है प्रमोशन में आरक्षण चूँकि पिछली सरकारों ने ख़त्म कर दिया था और वर्तमान में वही प्रक्रिया चल रही, उन्हीं वाली पुरानी वाली प्रक्रिया चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, उसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन देने आए हैं।